और मेरे भाइयों, क्या हालचाल है यार। फिलहाल मेरे को पता है बीजमाए के हालचाल अभी बेकार चल रहे हैं और आप लोग एक चीज को लेके बहुत ज्यादा परेशान हो, सीजन 14। हाँ, सीजन 14 के रॉयल पास को कुछ लोग खरीद नहीं पा रहे थे और कुछ लोग भाई खरीदे तो भाई कुछ ट्रिक फॉलो किए थे जिसका आप लोग को पता होगा, फाइल एक इनकरप्ट फाइल उसमें डाला जाता है। अब भाई दूसरों की बात क्या ही करूं, मैं खुद यहां पे इस वाले ट्रिक को फॉलो करके रॉयल पास परचेज ट्रिक था उसको फॉलो किया हूं। तो क्या मेरी आईडी, क्या जो लोग ये फॉलो किए उनकी आईडी बैन हो सकती है? अब देखो यार, बैन होगा या नहीं होगा ये मैं खुद नहीं बताऊंगा, आप लोग को क्राफ्टन खुद बताएगा, उसकी ऑफिशियल स्टेटमेंट मैं आप लोग को दिखाने वाला हूं आखिर बीजमाई इसके बारे में क्या कहता है, आप लोग का आईडी बैन होगा या नहीं। देखो यार, आप लोग अकेले नहीं हो जो लोग ये फॉलो किए हो, बहुत सारे बंदे फॉलो किए हैं, बट यार मैं नहीं चाहता आप लोग की इतनी महंगी महंगी आईडी भाई बैन हो या कुछ उसके साथ दुर्घटना, इसीलिए मैं इस वीडियो को बनाया हूँ। तो प्लीज़ यार अपनी आईडी के लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना और भाई आप लोग को हर एक चीज़ पता चल जाएगा आखिर बीजमाए इसके बारे में क्या कहते हैं और इसका सॉल्यूशन क्या है। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं पहले यहाँ पे। तो अगर आप लोग बीजमाए के वेबसाइट पे आते हो एंड नीचे जाते हो और यहाँ पे रूल्स ऑफ कंडक्ट पे जाते हो, तो यहाँ पे आप लोग को पता होगा रूल्स ऑफ कंडक्ट क्यों बनाया गया था। जब पबजी मोबाइल बैन हुआ था तो इसके लिए कुछ रूल्स फॉलो करने के लिए बनाया गया था। तो यहाँ पे आने के बाद आप लोग को सबसे पहले क्या दिखता है, यहाँ पे पहले बता दूँ आप लोग को ये पेज का मतलब क्या है। इसमें आप लोग को बताया जाता है कि गेम के साथ क्या क्या करोगे तो आप लोग का बीजमाए के आईडी के साथ क्या क्या होगा। तो यहाँ पे सबसे पहला जो लिखा है यूज डेवलप, ये छोड़ो भाई, यहाँ पे इसके बारे में क्या ही करना बात। यहाँ पे पहला लाइन नहीं, दूसरा लाइन भी नहीं, तीसरा लाइन देखो। हाँ, तीसरे लाइन में क्या लिखा गया है, मॉडिफिकेशन ऑफ गेम क्लाइंट सर्विस एंड गेम डाटा पैक्स ETC। तो भैया अगर आप लोग बीजमाए के फाइल के साथ कुछ भी छेड़खानी करते हो तो भैया आप लोग का यहाँ पे जो पेनल्टी यानी कि सजा है वो है परमानेंट बैन। तो भैया यहाँ पे आप लोग ने फाइल के साथ छेड़खानी किया है, बट भाई यहाँ पे आप लोग अभी पूरा वीडियो तो देखो, आप लोग को कुछ चीज़ें भी बताने वाला हूँ जिससे आप लोग का मन हल्का होगा एंड कुछ ट्रिक बताऊंगा जिससे आप सॉल्यूशन हो जाएगा। अब देखो यार, सबसे पहले आप लोग को कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है कौन कौन ऐसा बंदा है जो फाइल को एंटर किया है मेरी तरह। भाई मैं भी एंटर किया हूँ, कोई यहाँ पे कहने की या छुपाने की बात नहीं है, आप लोग को जो है मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, मैं भी यहाँ पे ये फाइल एंटर किया था आप लोग को बताने के लिए। पहले मेरे को और रिस्क के बारे में नहीं पता था तो भैया मैं भी इंटर कर लिया था, बट अभी पता चल गया है तो भाई यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो रहा था, बट फिर भी मैं यहाँ पे आप लोग के लिए कुछ लेके आया हूँ सॉल्यूशन, उसको भी देख लेना एंड कुछ चीजें हैं। अगर आप लोग ये चीजें नहीं करते हो तो आप लोग की आईडी बच जाएगी। 99 केस में भैया आप लोग की आईडी अभी भी बच जाएगी जो लोग फाइल को इंटर की हो, टेंशन लेने की बात नहीं है, बट यहाँ पे आगे क्या नहीं करना आप लोग को। देखो ये चीज जो यहाँ पे M14 रॉयल पास है इसको बाय करने के लिए क्या किए हैं भाई, पबजी मोबाइल से ये फाइल उठा के यहाँ पे इंटर करवाया गया है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को सीक्रेट बता रहा हूँ, पबजी मोबाइल से फाइल उठा के इसमें इंटर करवाया गया है और इसको कहते हैं मॉडिफिकेशन। भैया खुद से मॉडिफिकेशन किए हो तो भैया कुछ सजा मिल सकता है, ये भी आप लोग जानते रहो। और 99 केस में आप लोग की आईडी बच जाएगी, बट यहाँ पे आप लोग को फिर से बता दे रहा हूँ, पबजी मोबाइल से भाई और भी यहाँ पे जैसे बहुत सारे आइटम्स नहीं आते हैं, अगर आप लोग पबजी मोबाइल से बहुत सारे आइटम्स लाने के लिए फाइल इधर उधर करते हो तो अब की बार पक्का आप लोग का बीजमाए का आईडी लग जाएगा। तो इस छेड़खान के बाद आप लोग और भी छेड़खान मत करना गेम के साथ या उसके फाइल के साथ, नहीं तो भाई आप लोग की बीजमाए की आईडी परमानेंट बैन हो जाएगी, आप लोग ने सजा देख लिया होगा भाई, क्राफ्टन वाले को खुद कहना है और आप लोग कुछ कर भी नहीं पाओगे परमानेंट बैन हो गया तो। इतनी महंगी आईडी लेके इतना साल मेहनत करने के बाद अगर कुछ भी ऐसा कर देते हो तो भाई आईडी बैन हो जाएगी। अब इसके सॉल्यूशन की बात करें तो आप लोग सॉल्यूशन क्या कर सकते हो तो भाई वो मैं आप लोग को बताता हूँ, बट उससे पहले छोटी सी एक चीज कहना चाहूंगा भाई, इस वीडियो के लिए भाई एक लाइक जरूर कर देना एंड अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार। चलो मैं आप लोग को यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ, एक तरीका बताता हूँ जिससे ये सॉल्व हो सकता है। अब देखो यार, मैं पहले ही बता चुका हूँ ये जो फाइल था वो पबजी मोबाइल का फाइल था एंड भाई इंटर कराने से क्या हुआ कि यहाँ पे जो ये ग्लिच था ये ग्लिच सॉल्व हो गया, बट यहाँ पे मॉडिफिकेशन बीजमाए की तरफ से बैन है, मतलब आप लोग खुद से मॉडिफिकेशन नहीं करवा सकते, जैसे इंडिया में आप लोग गाड़ी का मॉडिफिकेशन नहीं करवा सकते, ठीक है वैसे ही। तो भैया यहाँ पे इसके लिए आप लोग को पेनल्टी परमानेंट बैन देना पड़ेगा। तो भाई फिर से यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा आप लोग अभी के लिए यहाँ पे एक चीज़ फिर से मत करना भाई, यहाँ पे पबजी मोबाइल से कोई और फाइल उठा के इसमें मत डालना, बहुत सारे बंदे हैं जो ऐसा करते हैं तो भाई इससे आप लोग को बच के रहना होगा, ये चीज़ मत करना, बहुत सारा चीज़ें गेम में नहीं आता है तो भाई ऐसा करते हैं सब लोग। बाकी चलो मैं सॉल्यूशन बताता हूँ, कुछ सॉल्यूशन मेरे पास हैं जो कि यहाँ पे आप लोग के लिए काम आ सकते हैं।
तो सॉल्यूशन की बात करें तो मेरे भाई यहाँ पे आप लोग गेम में चले आना है। अब जैसा यहाँ पे आप लोग मेरे आईडी में देखो तो मेरे आईडी में भी यहाँ पे ये वाला ग्लिच सॉल्व है, मतलब मैंने भी यहाँ पे वो फाइल इंटर करवाया था। तो भाई मेरे को भी खतरा है, बट यहाँ पे 99% है कि बच जाएगी आईडी। बाकी देखते हैं क्या होता है। बाकी यहाँ पे आप लोग को सॉल्व करने के लिए कुछ मैं बता दे रहा हूँ, उसको भी फॉलो कर सकते हो। अगर आप लोग हो सके तो उस फाइल को ढूंढ के डिलीट भी कर सकते हो, बट मैं ऐसा रिकमेंड नहीं करता भाई, क्योंकि यार उसको ढूंढने में बहुत ज़्यादा टाइम एंड बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे मेहनत करना पड़ेगा। अगर गलत फाइल डिलीट हो गया तो गेम भी नहीं चलेगा, तो नहीं करना उसको। तो यहाँ पे रिपेयर पे आप लोग को आना है, यहाँ पे ये टिक करके एंड ओके कर देना है। एक छोटा सा अपडेट आएगा आप लोग में, जैसा मेरे में आ रहा है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो। अब देखो यार, BGMI बैन होगा या अनबैन होगा उसके बारे में बात करें तो मेरे भाई यहाँ पे सबसे जो यहाँ पे निगेटिव न्यूज़ है, ये रॉयल पास वाला निगेटिव न्यूज़ निकल के आया था साला, क्या ही बोला जाए। अब इसके बारे में आप लोग क्या राय दोगे भाई, कमेंट में बता देना। बाकी यहाँ पे आपके आईडी की सुरक्षा के लिए भैया ये चीज़ फॉलो कर सकते हो। ये अपडेट आएगा आपने 16 MB का, उसको आप लोग को पूरा हो जाने देना है। और बाकी यहाँ पे गेम फिर से आप लोग का थोड़ा सा सही हो सकता है। बाकी इससे इसे करने से भाई फाइल तो दोबारा नहीं जाता, बट थोड़ा सही हो जाता है, तो अगर करना चाहो तो कर सकते हो। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।